हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबनिया। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। चलो ब्लॉग शुरू करते हैं देवभूमि की इन खूबसूरत पहाड़ियों से। आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से दीपावली मनाई होगी। दोस्तों, हमारी पूजा शुरू होने वाली है। अभी पूजा करने की तैयारी हो रही है। इधर लगा रखी है लक्ष्मी माता की फोटो है, और ये सारे रख के छुल्ले बतासे पूरी पकौड़ी और मिठाई जो जो सामान रखते हैं पूजा में। बाहर तो लोग पटाखे फोड़ने लगे, हम पहले पूजा करेंगे उसके बाद पटाखे फोड़ेंगे। तो हमारी पूजा होने लगी शुरू। मम्मी जी पूजा कर रही है। जो देवतों के आगे से कागज रख के, हम यदि गांव में रहते तो भोज पत्थर रखते थे, क्योंकि सारे पूजाओं में वही रखते हैं। अभी खिल्ला बतासा सभी चीज़ आगे से रखते हैं देवताओं के आगे से, उनको भोग चढ़ाते हैं। तो हम यदि गांव में रहते तो वहाँ तो बहुत सारे पितर देवता होते, तो उनके जो मूर्ति बने हुए हैं तो बहुत सारे रहते हैं, उनकी पूजा होती थी। जो ये धूप बत्ती है, वो धूप बत्ती हमने घर ही में बना रखा है। हमारे यहाँ दिवाली के दिन या कोई भी पूजा हो तो जो चूल्हा होता है उसको भी पूजा किया जाता है। धूपदान है। अभी हमारा पूजा पूरा हो चुका है, अब मिठाई लगाएंगे, लंगड़ पकौड़ी खाएंगे, फिर पटाखा फोड़ेंगे। अभी हम पहुंच गए लंगड़ पकौड़ा खाने। यहाँ दिए जला रखे सारी इधर उधर से। और उधर दरवाजे खिड़की के वहां भी दिए जला रखे, हमने तो कैंडल जलाए थे। मैं नीचे जहाँ पर हमारा मकान बना हुआ, वहाँ छत पर आ रखा हूँ, वहाँ से वीडियो बना रहा। आज गोवर्धन पूजा है, तो आप लोगों को भी गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से गोवर्धन पूजा मनाओ, हम लोग भी अच्छे से मना रहे हैं। अभी हम चाची गोवर्धन पूजा कर रही है। आज गोवर्धन जी का त्यौहार है। कृष्ण भगवान ने उंगली पर उठाया था। कटोरी दिया था। आज गौ माता की पूजा की जाती है। हाँ।
यूज आजा। अरे मम्मी पानी ये तो लगा दे। दादा आप ही लगा दिए। लगा मैं पीछे उठ। नहीं तो हाथ लगा दे। ऐसा लगाते वो अच्छा होता है। नहीं खोलते यार। अभी गोवर्धन पूजा करके पिठाई और भेरी लगा दिया। अभी प्रसाद खाएंगे। अभी हम लोग छत में आ गए गोवर्धन भगवान की प्रसाद लेके। अभी यहाँ पे बैठ के खाएंगे सभी लोग। अभी सब लोग यहाँ पे बैठ के प्रसाद खाएंगे। अभी तो गोवर्धन भगवान का जो प्रसाद होता है वो सब ला रहे हैं। लंगूर पकौड़ी यहाँ पे रखे हुए हैं। ये है लंगूर पकौड़ी, प्रसाद, सूजी और मिठाई, केला, सब्जी, सेब, सभी चीज़ रखे हुए हैं यहाँ पे। केला, मिठाई, भेरी और भी चीज़ रखे हुए हैं। तो अभी हम लंगूर पकौड़ी इसे हम खाने लगे। अभी सब लोग बैठ गए। अभी तो अभी हम जा रहे हैं गाय को खाना खिलाने। लंगूर और थोड़ा भात जो होता है। तो अभी हम गौशाला पहुंच गए। यहाँ से अभी गाय को, यहाँ गाय बांधे है तो उन्हें खाना, वो चारा देंगे जो पीनू होता है। यहाँ बाहरी में बांध रखे। अभी हमने बैल के सिंग पे जो होता है भेरी, तेल और हल्दी मिलाते हैं उस पर, उसको लगाया तो, और बैल उसके गले में फूल माला भी डाल दिया। और अभी उसको पीना खिलाएंगे। अभी बैल को पीना खिला रहे भी। हम गौशाला से वापस आ गए और अब जाएंगे नीचे लंगूर पकौड़ी खाने। ये बोल पूरी और पकौड़ी खाने।
यहाँ पर लंगूर पकौड़ी सब लोग नीचे छत पे ले जा रहे, तो वहीं खाएंगे सब साथ बैठ के खाते हैं वहीं पर। चलो तो चलते हैं लंगूर पकौड़ी खाने। पहुँच गए छत में जहाँ लंगूर पकौड़ी खा रहे हैं सब लोग। यहाँ बैठ रखे हैं आप लोग देख सकते हो, यहाँ सब लोग लंगूर पकौड़ी खा रहे हैं। अभी सभी लोग लंगूर पकौड़ी खाने लग गए हैं। अभी सनसेट हो गया और धूप तो उधर पहाड़ों पे दिखाई दे रहा है उधर, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है। दोस्तों आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।